Hello, my little learners. This is grade 8, a new chapter for you for mathematics, and this is probability. So, here we begin. आप लोगों ने probability के बारे में last year भी पढ़ा था. Yes, and you know, जब आप probability की बात करते हैं, तो possibility of any event to occur होता है. That means, क्या चीज़, कितने chances हैं उसके होने के, और वो चीज़ हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं. लाइक समटाइम यू से इट इज़ अबाउट टू रेन, समटाइम यू से मे बी आई विल गो फॉर अ पार्टी, समटाइम्स यू टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, सम इंश्योरेंसेस, इलेक्शंस, एंड यू कम विद द सर्टेन आंसर्स. मे बी इट मे हैपन, देयर इज अ चांस ऑफ दिस थिंग टू हैपन. That means हम उस event के होने की possibility की बात कर रहे हैं, right? And this is called the study of probability. अब कुछ terms आते हैं जो probability से related होते हैं, हम पहले उन terms के बारे में बात करेंगे. तो अब हम बात करते हैं experiment क्या होता है. An experiment is a controlled operation that yields to a set of results. That means अगर हम suppose example लेते हैं, आपने एक dice throw किया, एक कॉइन आपने रोल किया, तो आपके जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे, जो हमें पर्टिकुलर रिजल्ट्स देंगे, वो पूरा जो इवेंट होता है उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट. और उस इवेंट के जो पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड आउटकम्स, राइट? जैसे आपने टॉस किया एक कॉइन, तो हेड आएगा या टेल आएगा. तो ये हेड और टेल क्या है? दे आर पॉसिबल आउटकम्स. अब हम बात करते हैं सैम्पल स्पेस की. तो सैम्पल स्पेस क्या होता है? सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, उसको हम बोलते हैं सैम्पल स्पेस. जैसे सपोज हमने टू कॉइन्स लिए और हमने इन टू कॉइन्स को टॉस किया, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगी? इट इज़ पॉसिबल कि दोनों हेड्स आएं, इट इज़ पॉसिबल कि फर्स्ट हेड आएगा, सेकेंड टेल आएगा. क्या ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट टेल और सेकेंड हेड आए? And it is possible कि head आएगा ही नहीं, tail, and tail is your outcome. So we say we have four outcomes which are the possible outcomes, and these set of outcomes is called sample space, जिसको हम S से represent करते हैं. Now we come to what is event. An event is a sub collection of sample space. अब सपोज ये चीज़ें जो हैं जिनको मिलाकर हम सैम्पल स्पेस बना रहे हैं, इन सब को अगर आप इंडिविजुअली देखेंगे, वी कॉल देम एज इवेंट. नाउ वी रिप्रेजेंट ई एज इवेंट एवरी टाइम. ओके, नाउ कमिंग टू व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट. सो एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन and the exact outcome cannot be predicted. तो हम ऐसे experiments को बोलते हैं random experiment, कि ये outcomes हो सकते हैं, but ये नहीं मालूम कि अभी क्या outcome होने वाला है. Got it? Now we talk about कि अगर आपने किसी की भी probability की numerical representation लेनी है, तो हम उसके लिए एक formula सीखेंगे, and the formula for it is probability of event, E से हम event को represent करते हैं, is equal to number of favorable outcomes to the event upon the total number of outcomes. अब example देखते हैं. Suppose if two coins are tossed simultaneously, what is the probability of getting a head and a tail is always given by probability. Event है head and tail, मतलब आप दो कॉइन्स को टॉस कर रहे हो, एक हेड आएगा एक टेल आएगा, राइट? और हम इसको पी ई भी लिख सकते हैं. ओके, एंड वी नो दो बार ऐसा सिचुएशन आएगा कि फर्स्ट हेड या सेकंड टेल, एंड दूसरी पॉसिबिलिटी है फर्स्ट टेल और सेकंड हेड. सो वी से टू आउट ऑफ टोटल आउटकम्स, दैट इज फोर इज द प्रोबेबिलिटी. अब प्रोबेबिलिटी जब भी लिखते हैं उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, so we get it as 1/2, right? तो इसलिए यहाँ पर आपका ये sample space है जिसमें four outcomes हैं, और event जो possibility है that is ht and th, that is 2, so we say your outcome is 2/4,
That's equal to 1 upon 2 in the simplest form. So now we come at tree diagram. So children, as stated earlier, the possible result of the experiment is called its outcome. And in order to solve most difficult probability problems, we must be able to determine all the possible outcomes of any experiment. अब ट्री डायग्राम आपको हेल्प करता है कि हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे और उससे हमें पता चलता है कि आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. हमेशा ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करती है. तो नॉर्मली अगर आपकी कोई भी प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हैं एंड यू आर श्योर कि ये होना ही है, जैसे टुडे इज सैटरडे और आपने बोला कि टुमारो इज संडे, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? इट्स अ श्योर इवेंट भाई, सैटरडे के बाद तो संडे आएगा ही, राइट? सो जहाँ पर श्योर इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी. और आज सैटरडे है, अगर मैंने बोला टुमारो इज मंडे तो आप बोलोगे अरे ये क्या बोल रही है, इजंट इट? एंड दैट मीन्स दैट इज ट्रूली इम्पॉसिबल इवेंट. दैट मीन्स वो इवेंट हो ही नहीं सकता. एंड ऐसे केस में उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 0. सो रिमेंबर कि आपकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगी. आपका इवेंट अगर श्योर इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, और अगर आपका इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट है यू विल से इट्स प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 0, राइट? नाउ वी टॉक अबाउट ट्री डायग्राम्स. सो चिल्ड्रन, ट्री डायग्राम्स आर हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द सैम्पल स्पेस. अब हमने एग्जाम्पल लिया एक कॉइन का. अगर आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो फर्स्ट थ्रो में क्या पॉसिबिलिटी है? या तो आपको हेड मिलेगा या आपको टेल मिलेगा, राइट? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट थ्रो में या आपके पास हेड आएगा और या टेल आएगा. और हेड और टेल मिलाकर अगर आप लिखोगे तो उसको हम बोलेंगे ये आपका सैम्पल स्पेस बन गया. अब बात करते हैं अगर आपके पास 2 कॉइन्स हैं तो क्या होगा. So, when you say the possible outcomes when 2 coins are tossed simultaneously, यहाँ पर आपकी possibility first time head या tail, right? अब दूसरी possibility इस head के साथ या तो head आएगा या इस head के साथ tail आएगा. And looking back to tail, अगर आपके first coin में tail आया तो tail के साथ second coin में या तो head आएगा या tail आएगा. That means आपके combination कैसे बनेंगे? Head head, right? Head tail like this, tail head like this and tail tail. तो हमें यहाँ पर 4 possible outcomes मिले. और इन 4 possible outcomes को अगर आपने combine कर दिया तो ये बन गया आपका sample space, right? Now we move further and let us summarize the result. तो अगर हमने 1 coin लिया, 1 coin में हमने कितने आउटकम्स बोले थे? There will be 2 outcomes. ऐसे ही अगर आपके पास 2 coins है तो हमारे पास 2 coins से 4 outcomes मिले. और इन 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 raised to the power 2. जैसे आपने फर्स्ट टाइम लिखा कि 1 coin से हमें 2 outcomes मिल रहे हैं, सो यू राइट 2 raised to the power 1 विच इज इक्वल टू 2, राइट? एंड अगर 2 coins हैं तो 2 raised to the power 2 दैट विल गिव यू 4. ओके, अगर 3 coins है, 3 coins में हमने 2 2 2 को 3 times मल्टीप्लाई किया तो ये बना 2 raised to the power 3. एंड वी विल से द नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी 2 cubed, दैट इज इक्वल टू 8. और अगर 4 coins हैं तो 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और 2 raised to the power 4 बन जाएगा 16. अब इसको हम जनरलाइज करते हैं, अगर n कॉइन्स हैं तो नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे? यस, दैट इज 2 raised to the power n. सो दिस इज अ जनरलाइज रिजल्ट विच वी गेट अबाउट द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अब बात करते हैं एग्जाम्पल की. सो वी हैव अ एग्जाम्पल, 2 dice आर रोल्ड आउट साइमल्टेनियसली. यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी of getting 10 as the sum of the numbers on both the dice. क्या करेंगे? सबसे पहले हम अपना स्पेस बनाएंगे. सो दिस इज योर सैम्पल स्पेस जहाँ पर
फर्स्ट डाइस पर वन आया और सेकंड डाइस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कुछ भी आया. दैट मीन्स 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 एंड 1, 6. अब सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, फर्स्ट डाइस पर 2 आया और सेकंड डाइस पर फिर 6 प्रोबेबिलिटीज हैं. सो इट इज रिटन एज 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, जहाँ 2 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट डाइस का 2. अब ऐसे ही फर्स्ट डाइस पर 3 एंड अदर सेकंड डाइस पर 1, 2, 6, फिर 4 एंड अदर 6, 5 एंड अदर 6 एंड 6 एंड अदर 6. तो टोटल आपके आउटकम्स जो सैम्पल स्पेस में आएंगे दे आर इक्वल टू 36, राइट? 6 times 6 makes 36. अब बात करते हैं फेवरेबल आउटकम की. तो हमें रिजल्ट चाहिए जहां पर 10 आपका सम आ रहा है. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोबेबिलिटी जहां पर टोटल आपका 10 आएगा. दिस इज वन ऑफ द प्रोबेबिलिटी, 5 + 5 = 10. दूसरी पॉसिबिलिटी है 4 and 6, दिस मेक्स 10. एंड एक और आउटकम है 6 + 4 = 10. तो ये 3 आउटकम्स ही हैं सिर्फ जिसका सम 10 आएगा. गॉट इट? सो वी से द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 10 इज इक्वल टू 3/36. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और हमें रिजल्ट मिल जाएगा 1/12. अंडरस्टूड? अब आते हैं एक और एग्जाम्पल पे. सो इफ 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग हेड्स ऑन बोथ द कॉइन्स? एंड यहाँ पर व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, तो आपका ये तो सैम्पल स्पेस बन गया. सैम्पल स्पेस में हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल, टेल टेल, राइट? इसका मतलब हमारे पास 4 आउटकम्स हैं. गॉट इट? सो वी हैव ऑल 4 पॉसिबल आउटकम. अब बात करते हैं फेवरेबल आउटकम की. हमें फेवरेबल आउटकम अगर एच एच, मतलब सेम एच एच आया, दिस इज ओनली 1. सो वी से द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स इज इक्वल टू 1/4. गॉट इट? बहुत इंटरेस्टिंग है ना? एक और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेते हैं. एंड वी रीड, इफ यू आर स्पिनिंग अ व्हील, आपके पास ये व्हील है विद 3 पर्पल सेक्टर्स, 2 मूव सेक्टर्स, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग एट पर्पल सेक्टर? तो सबसे पहले हम टोटल सेक्टर्स निकालेंगे, दैट इज 3 + 2, इट कम्स आउट एज 5. एंड उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों पर्पल सेक्टर होंगे. दैट मीन्स पी पी पी, दैट्स इक्वल टू 3 out of 5. सो वी से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पर्पल सेक्टर इज 3/5. अंडरस्टूड? नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल हियर. अब हमने एक कॉइन लिया और उस कॉइन को 40 टाइम्स टॉस किया. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली विल टेल्स कम अप? तो हमने सबसे पहले 1 कॉइन की पॉसिबल आउटकम्स लिए, दैट मीन्स हम सैम्पल स्पेस की बात कर रहे हैं. वी हैव 2 पॉसिबल आउटकम्स एंड देन फेवरेबल आउटकम इज ओनली टेल, दैट इज 1. So what will you do? You will say the probability of getting tails is 1/2, right? अब बात होती है 40 tosses की. तो 40 tosses में 1/2 को 40 से multiply करेंगे, that means approximately हम expect कर सकते हैं कि 20 times tail आएगा. Understood? Now we come to exercise. So let's take the first question. When a die is thrown, list the possible outcomes. तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे हमारे डाइस के? 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट? नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4? अब 4 को काउंट नहीं करना, लेस देन 4 का मतलब 1, 2 एंड 3. सो वी हैव 3 आउटकम्स जो लेस देन 4 होंगे और टोटल आउटकम 6 हैं. दैट मीन्स योर प्रोबेबिलिटी विल बी 3/6 और हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा. देन नेक्स्ट इज वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर? प्राइम नंबर्स काउंट करते हैं 6 तक, 2, 3 एंड 5. सो वी हैव गॉट 3 नंबर्स आउट ऑफ 6 नंबर्स एज प्राइम नंबर. अब 3/6 फिर से आपका आंसर आया,
जो शॉर्टेस्ट फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/2 बन गया. नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2. 2 को काउंट नहीं करना, ग्रेटर देन 2. 3, 4, 5, 6. यू हैव 4 नंबर्स आउट ऑफ 6 एंड इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल गई 2/3 की. एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 5. तो लेस देन 5 का मतलब 5 से कम में तो 1, 2, 3, 4 आएगा, राइट? दैट इज 4/6 अगेन. और जब हमने 4/6 लिखा तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई 2/3. तो आप ऑब्जर्व करेंगे सब केसेस में प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में आ रही है. क्यों? क्योंकि ये सब प्रॉपर फ्रैक्शंस बन रहे हैं. अंडरस्टूड? नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन. यू आर गोइंग टू स्पिन द व्हील एंड व्हाट आर द प्रोबेबल आउटकम्स. तो हमने क्या देखा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड वी हैव 8 पॉसिबल आउटकम्स. तो हम लिखेंगे B, B, R, B, B, G. ये हमारे पॉसिबल आउटकम्स हो गए. एंड देन हियर आउटकम्स आर द सेक्टर्स इन विच दीज पॉइंटर्स विल स्टॉप. तो पॉइंटर इनमें से ही कहीं आके रुकेगा. उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग एट ब्लू सेक्टर. टोटल आउटकम्स तो 8 हैं और उसमें से ब्लू सेक्टर कितने हैं, 1, 2, 3, 4. दैट मीन्स इट इज 4/8, राइट? एंड 4/8 का मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म इज 1/2. ब्यूटिफुल. सो वी राइट डाउन 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी. एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर द पॉइंटर टू स्टॉप एट रेड सेक्टर. अब आप देखेंगे रेड सेक्टर्स तो सिर्फ 3 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी आप बताएंगे मुझे. येस, दैट्स 3/8. ब्यूटिफुल. देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर नॉट स्टॉपिंग एट ग्रीन सेक्टर. ग्रीन सेक्टर्स पहले आप देखेंगे कितने हैं, दैट इज ओनली 1. सो फॉर स्टॉपिंग ऑन ग्रीन सेक्टर इज 1/8. फॉर नॉट स्टॉपिंग ऑन ग्रीन सेक्टर विल बी 7/8. सो नाउ दिस वे यू कैन डू द रिमेनिंग क्वेश्चंस बाय योर ओन एंड एंजॉय डूइंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी. अब बारी आती है टू सम अप. लेट्स कम टू द समरी. अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज वन हूज आउटकम्स आर नोन but cannot be predicted exactly in advance and one or more outcomes of the experiment make an event. The sample space means all possible outcomes of an experiment, right? And probability of event kya hota hai? It always lies between 0 and 1. Ab jab sure event hoga, uski probability 1 hogi. Aur agar impossible event hoga to येस, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है. एंड प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती. प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. और ये ध्यान रखना कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज 1. सो वी मूव फर्दर विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. The outcomes of random experiment are called sample space. And the next one is, if a coin is tossed 3 times, the number of possible events kitne honge? 2 raised to the power 3, that makes it 8. Come at question number 3. 2 fair dice are rolled simultaneously. Ab 2 dice hain, toh total outcomes humne seekhe the 36 honge. And you want to know the probability of getting a sum 5. अब sum 5 चाहिए तो या तो combination 1,4 का होगा या combination 4,1 का होगा. ऐसे ही ये हो सकता है कि 2,3 का combination हो या 3,2 का combination हो. So these 4 can be the outcomes. और 4/36 का मतलब आपका आंसर हो गया 1/9 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स द नंबर ऑफ फेस कार्ड्स. आपको सबसे पहले ये पता लगाना है कि कितने फेस कार्ड्स होंगे. दैट विल बी 3 टाइम्स 4, इट कम्स आउट एज 12.
तो हमारे पास 12 फेस कार्ड्स होते हैं, जैक, किंग एंड क्वीन. ओके, नाउ वी मूव अहेड. आपके पास माइंड बूस्टर है, प्लीज डू दिस माइंड बूस्टर योरसेल्फ एंड इट्स द टाइम टू से कैच यू लेटर.